अपनी एक खोजी तहकीकात में कोबरा पोस्ट को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग की भर्तियों में बहुत बड़े पैमाने पर चल रही रिश्वतखोरी का पता चला है। इस विभाग में कोई 3000 भर्तियां ग्राम विकास अधिकारी के पद पर होनी है। राज्य सरकार ने इस पद पर भर्ती के लिए 23 जुलाई 2013 में विज्ञापन जारी किया था। अभ्यर्थियों को 21 जनवरी 2014 तक आवेदन करना था। कोबरा पोस्ट को अपने विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि इन भर्तियों में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है। सूत्रों ने यह भी बताया कि जिला स्तर पर होने वाली इस भर्तियों में उन्हीं लोगों का चयन होगा जिनका नाम जिला अधिकारी को ऊपर से भेजी जाने वाली लिस्ट में होगा। इस लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम शामिल होगा जिन लोगों ने रिश्वत दी है। हालांकि दिखावे के लिए इंटरव्यू के कॉल लेटर उन सभी आवेदकों को भेजे जाएंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली है। कोबरा पोस्ट के संवाददाता मोहम्मद हिजबुल्ला ने इस तहकीकात के दौरान उत्तर प्रदेश के 12 लोगों से मुलाकात की जो राज्य के शासन प्रशासन और समाजवादी पार्टी में अच्छा रसूख रखते हैं। ये हैं हाजी मोहम्मद अब्बास जो राज्य के श्रम और रोजगार विभाग में एडवाइजर हैं और इन्हें राज्य मंत्री का ओहदा भी प्राप्त है। श्री प्रकाश राय जो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के चेयरमैन हैं और जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। हाजी इकराम कुरैशी जो राज्य के आवश्यक वस्तु निगम के चेयरमैन हैं और जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। सपा विधायक और पूर्व मंत्री शाकिर अली, पूर्व राज्य मंत्री आनंद सेन यादव, सपा विधायक चंद्रा रावत, सपा विधायक शारदा प्रताप शुक्ला, सपा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य राम प्रकाश यादव, सपा के युवा मोर्चा के सचिव सतीश यादव, सपा के संभल जिला सचिव उरमान सिंह यादव, उत्तर प्रदेश नव निर्माण सेना के अध्यक्ष अमित अग्रवाल उर्फ अमित जानी, लखनऊ के पूर्व पार्षद अयाज अहमद। हिजबुल्ला से हुई मुलाकात में इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग में वीडियो की भर्ती में चल रही धांधली के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। जैसे इन लोगों ने यह दावा किया कि भर्ती के लिए लोगों से 8 से 13 लाख तक की रिश्वत मांगी जा रही है। कई जगह रिश्वत का आधा हिस्सा टोकन मनी के रूप में पहले मांगा गया। चयनित आवेदकों की लिस्ट डीएम को ऊपर से भेजी जाएगी। यह भी दावा किया गया कि पंचायती राज विभाग में भी नियुक्तियां इसी तर्ज पर हो रही हैं। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि पुलिस विभाग में भी नियुक्तियां इसी तर्ज पर तय होने लगी हैं। हालांकि 5000 रिक्तियों की घोषणा अभी पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने की है। कईयों ने यह दावा किया कि उनकी सपा के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों से साठगांठ है। दो बार मंत्री रह चुके सपा विधायक शाकिर अली को छोड़ इन सभी नेताओं ने पैसा लेकर कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर को उसके लोगों को भर्ती कराने का पूरा भरोसा दिलाया। सिर्फ शाकिर अली एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने पैसा लेकर काम करने के लिए साफ मना कर दिया। हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि हमारा मकसद किसी को सरकारी नौकरी पर रखवाना नहीं था, न ही हमने किसी को रिश्वत दी। कोबरा पोस्ट का यह खुलासा हमें समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में हुई ऐसी ही एक बहुत बड़ी धांधली की याद दिलाती है। आपको याद होगा तब उत्तर प्रदेश पीएसी में लगभग 22,000 जवानों की भर्ती इसी तर्ज पर की गई थी। मायावती की सरकार ने इनमें से लगभग 18,000 नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। साथ में इस कांड में शामिल कई आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। हालांकि अदालत ने इन नियुक्तियों को फिर से बहाल कर दिया है। इसी तरह पड़ोस के हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ऐसे ही एक भर्ती कांड में सजा भुगत रहे हैं। इसमें आश्चर्य नहीं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने एक अध्ययन में उत्तर प्रदेश को देश के सबसे भ्रष्ट 4 राज्यों में शामिल किया है। आप देख रहे हैं कोबरा पोस्ट की स्पेशल रिपोर्ट।